Welcome students to the class of geography where we are going to proceed with the chapter soil resources in India. इसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है soil conservation in India. Soil conservation के बहुत से तरीके हैं जो practice कर सकते हैं हम लोग और practice की जाती है, तो let's learn about them. इसमें सबसे पहला है contour bunding and terracing. या कॉन्टूअर बंडिंग का मतलब है कि द ट्रीज आर प्लांटेड अलॉन्ग अ कॉन्टूअर, और ये जो है ये रेन वाटर के वेलोसिटी को यानी रनिंग वाटर के वेलोसिटी को कम कर देता है जिससे इरोजन मिनिमाइज होता है. कॉन्टूअर प्लॉइंग इज अलॉन्ग द कॉन्टूअर्स, यानी कॉन्टूअर के एक कॉन्टूअर के अलॉन्ग ही ग्रो किया जाता है, एक लेवल पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. इट द लेवल और द स्टेप, जो स्टेप होता है एक एक स्टेप जो बनाया जाता है वो फॉलो करता है कॉन्टूअर को, कॉन्टूअर ऑफ द लैंड. कॉन्टूअर प्लॉइंग जरूरी नहीं है कि हिल्स पे ही किया जाए, इट इज़ डन इन अनइवन एरियाज आल्सो. दिस इट इज़ बिकॉज ये टेरेस फार्मिंग नहीं होता, ये टेरेस फार्मिंग से अलग होता है. दिस इज एक्चुअली प्लॉइंग अलॉन्ग द कॉन्टूअर, यानी नेचुरल कॉन्टूअर जो है लैंड का उसको फॉलो करते हुए क्रॉप्स ग्रो किया जाता है. इससे मिनिमाइज होता है द इंटेंसिटी ऑफ सॉइल इरोजन. दिस इज टेरेस फार्मिंग वेयर इन द हिल स्लोप्स इट इज कट डाउन इन टू स्लोप्स. इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट फॉलोज द नेचुरल कॉन्टूअर, इट इज कट डाउन इन टू स्टेप्स. स्टेप्स में कटने से क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ वाटर व्हेन इट फॉल्स डाउन एवरी ईच एंड एवरी स्टेप, ये जो वेलोसिटी है वाटर का इट रिड्यूसेस. वेलोसिटी ऑफ वाटर रिड्यूसेस, और रिड्यूस होने से क्या होता है, जब वाटर का स्पीड कम जाता है तो इरोजन का स्पीड भी कम जाता है. सो दिस इज हाउ टेरेस फार्मिंग हेल्प्स इन कंजर्विंग सॉइल. नेक्स्ट इज अफॉरेस्टेशन. चिल्ड्रन ऑल ऑफ अस नो अफॉरेस्टेशन यानी प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, न्यू ट्रीज. तो जब हम नए पेड़ लगाएंगे तो डेफिनेटली द रूट ऑफ द ट्री दे विल ग्रिप होल्ड द सॉइल, एंड व्हेन द रनिंग वाटर फास्ट मूविंग विंड कुछ भी इसके स्पीड को कम कर दिया जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रीज एंड द रूट्स विच विल होल्ड द सॉइल टाइट. तो इससे इरोजन का जो लेवल है वो मिनिमाइज हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इरोजन विल बी मिनिमाइज. अफॉरेस्टेशन के अलावा हम लोग रीफॉरेस्टेशन भी कर सकते हैं. इन रीफॉरेस्टेशन जहाँ फॉरेस्ट पहले काटा जा चुका है हम लोग फिर से वहाँ फॉरेस्ट ग्रो कर सकते हैं, दैट इज़ रीफॉरेस्टेशन. तो नए जगह पे पुरानी जगह पे जहाँ पास्ट में फॉरेस्ट था अगर हम फिर से वहाँ पेड़ लगाएं तो दिस इज़ एन एक्ट ऑफ रीफॉरेस्टेशन. अगेन दिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड ग्रेजिंग. ग्रेजिंग क्या है, व्हेन वी टेक आर कैटल, हम लोग अपने कैटल को ले जाते हैं ग्रीन पास्चर्स यानी हरी घास खिलाने के लिए, तो इसको हम कहते हैं ग्रेजिंग. एनिमल ग्रेज ऑन ग्रास, वो घास खाते हैं. लेकिन अगर हम एक ही प्लॉट में बार हमेशा हर दिन ले जाएं और दे कीप ऑन ग्रेजिंग तो ऑल द ग्रास विल बी ओवर एंड द सॉइल विल बी लेफ्ट लूज फॉर एंड इट विल बी प्रोन टू इरोजन. अब जो सॉइल है वो इरोड हो सकता है आसानी से, लेकिन अगर हम पूरे फील्ड को ऐसे प्लॉट्स में डिवाइड कर दें, प्लॉट नंबर वन में ये फर्स्ट 10 days दे विल ग्रेज, और जब घास थोड़ा कम हो जाएगा दे कैन मूव टू द सेकेंड प्लॉट, एंड देन लाइक दिस आफ्टर एवरी 10 days दे कैन कीप रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लॉट्स. इस तरह अगर वो प्लॉट्स में रोटेट करते रहे तो जब वो प्लॉट 2 में जाएंगे, 3 में जाएंगे और 4 में जाएंगे तब तक प्लॉट 1, 2 को टाइम मिल जाएगा फॉर रीग्रोइंग द ग्रासेस. इस तरह से द ग्रासेस विल नेवर बी ओवर एंड द सॉइल विल नेवर बी लेफ्ट लूज. इससे सॉइल इरोजन का जो टेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाएगा, रिस्क बहुत कम हो जाएगा. द नेक्स्ट इज प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्स. शेल्टर बेल्स क्या है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस इज अ डोमिनेंट विंड. विंड काफी तेज है और ये विंड हो सकता है सैंड को लेकर आए, इट बेसिकली ब्रिंग्स सैंड, और सैंड अगर ज़्यादा एरिया में फैलेगा, ये एग्रीकल्चर कल्चरल ट्रैक है, अगर यहाँ पे सैंड जमा हो जाएगा तो सॉइल हो जाएगा इनफर्टाइल एंड इट विल बी नो मोर गुड एनफ फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. इसीलिए विंड को रोकने के लिए, विंड के वेलोसिटी को कम करने के लिए यहाँ पे पेड़ लगाया गया है.
और ये डिफरेंट लेयर्स में लगाया गया, अलग अलग तरह के पेड़ लगाए गए हैं, इसको बोलते हैं शेल्टर बेल्स। दे आर प्लांटेड, इनको प्लांट के प्लान किया जाता है ताकि जो विंड का वेलोसिटी है वो कम हो जाए और डेजर्ट्स ना फैले, क्योंकि अगर सैंड को लेकर आएंगे एग्रीकल्चर लैंड में तो इट विल एक्सपैंड द डेजर्ट। तो अगर डेजर्ट का एक्सपेंशन होगा उसको हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, वी कॉल इट डेजर्टिफिकेशन। सो टू अवॉइड डेजर्टिफिकेशन शेल्टर बेल्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। यू कैन सी इन दिस पिक्चर द ट्रीज, दे आर प्रोटेक्टिंग द एग्रीकल्चरल फील्ड फ्रॉम द फ्रॉम डेजर्टिफिकेशन, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट्स। द नेक्स्ट कंजर्वेशन मेथोड इज construction of a dam. अगर किसी river पे, this is a river and we have made a dam, if a dam is a concrete structure which is made on a river, और वो नदी के पानी को चैनलाइज करते हैं, यानी river water को चैनलाइज करता है, कितना पानी release करना है, रोकना है, कितना पानी save करना है, ये सारी चीज़ें dam के through हम लोग कर सकते हैं। तो अगर dam नहीं होगा तो flood आएगा and this flood will lead to soil erosion. तो सोइल इरोजन को अगर प्रिवेंट करना है तो डैम इज़ एन वेरी इफेक्टिव वे, क्योंकि डैम का पानी जो है वो धीरे धीरे रिलीज होता है, इससे आसपास के एरिया में फ्लड नहीं आता है। एंड एज अ डैम प्रिवेंट्स फ्लड, इट आल्सो प्रिवेंट सोइल इरोजन। द नेक्स्ट मेथड इज लीगल बैनिंग ऑफ अनसाइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग। इंडिया में बहुत सारे ऐसे फार्मिंग मेथड्स हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है झूमिंग कल्टीवेशन। झूमिंग कल्टीवेशन अब इंडिया में बैन हो चुका है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जंगलों में बहुत ज़्यादा होता था। दिस इज एक्चुअली अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग। इसमें एक फॉरेस्ट के पैच को क्लियर करके और यहाँ क्रॉप्स उगाया जाता था एंड पीपल यूज टू सेटल देयर, वी कैन से नोमैडिक पीपल, वो बंजारा होते थे, वो सेटल हो जाते थे। उसके बाद दे यूज टू ग्रो क्रॉप्स फॉर सम टाइम एंड वेन द लैंड यूज टू बिकम इनफर्टाइल, जब सॉइल इनफर्टाइल हो जाता था तो वो इस पैच को ऐसे ही छोड़कर फॉरेस्ट के किसी दूसरे पैच में दे यूज टू कट ट्रीज एंड रिपीट द सेम प्रोसेस। इस तरह से फॉरेस्ट को जब जगह जगह पर क्लियर किया जा रहा था, इसे बहुत ज़्यादा सॉइल वॉज लेफ्ट लूज बिकॉज आफ्टर द सॉइल हैड बिकम इनफर्टाइल उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, कोई पेड़ नहीं लगाया जाता था। सो दिस इज अ very unscientific method because the land was left fallow without planting trees, और इससे जो soil था यहाँ का वो इरोड होने लगा, exhaust होने लगा, soil erosion और exhaustion दोनों देखा जाने लगा, ecological imbalance होने लगा because forest was being massively cut, बहुत सारे communities थे जो अपने 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 लिए plots clear करने लगे जंगलों में। तो north east के forest में it was at an alarming rate. So government of India has banned this method of cultivation which was highly unscientific. So this is a very bold step against soil erosion. So students, that's all in the methods of soil conservation in India. Thank you.